तो भाई आप लोगों ने क्लिक किया इस वीडियो पे क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि क्यों राहुल वैद्य ने पहली बार एजाज खान को सपोर्ट किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि एजाज खान को जेल टास्क के दौरान जब कहा गया था कि अनडिजर्विंग कौन है और डिजर्विंग कौन है, सपोर्ट किसको मिलता है, सपोर्ट घर के अंदर किसको नहीं मिलता है, कौन कहते हैं ना कि ऐसा सोने की थाली में चम्मच में ऐसा खा रहा है, तो ऐसे में राहुल वैद्य सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि एजाज खान के साथ में गलत हुआ है। ओ माय गॉड, ये तो हैरानी की बात है। चलिए आपको बताएंगे ये हैरानी की बात क्या है, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्या बात हुई जो राहुल वैद्य पूरा का पूरा सपोर्ट करने लगे एजाज खान को। शुरुआत करते हैं स्वागत से। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खंबागिनी, केम छो के रोहाल का सकाय, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। यहां पर जब जेल टास्क चल रहा था तो बिग बॉस ने सभी को पूछा कि सभी को अपने अपने पारी से आना है और अपने अपने बारी से बताना है कि कौन डिजर्विंग है, कौन अनडिजर्विंग है, किसको सपोर्ट मिलता है, किसको नहीं। तो ऐसे में राहुल वैद्य सीधा सीधा एजाज खान के लिए कहते हैं कि एजाज खान एक अकेले इंसान है जिनको घर में सपोर्ट नहीं मिला। वो कहते हैं कि जासमिन के लिए अली है, रूबीना के लिए अभिनव है, अभिनव के लिए रूबीना है, अली के लिए जासमिन है। तो अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की बात करें तो जैस्मिन, रूबीना, एजाज, अभिनव। रूबीना को अभिनव का, अभिनव को रूबीना का, जैस्मिन को अली का, अली को जैस्मिन का, बचे लास्ट में एजाज खान। तो वो कहते हैं कि एजाज खान को किसी का भी सपोर्ट नहीं है और अगर मैं आज सपोर्ट कर रहा हूं तो वो इसलिए क्योंकि वो सही है और बाकी लोग गलत है। उसके बाद सारे लोगों ने उन्हें घर के अंदर जो झेला है, टेला है और फिर टेढ़ा मेढ़ा किया है वो तो आहा। ये लाइव स्ट्रीम अपडेट की बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो 24 आवर्स है मैं देखता रहता हूँ वूट ऐप पर और आपको खबरें देता रहता हूँ। तो अगर आपको सारी खबरें चाहिए राइट ऑन टाइम बिफोर टीवी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बॉलीवुड हेल्पलाइन, और मैं हूँ एंकर करण रजानी। टेक केयर एंड गुड बाय।